तो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज से नए बड़े व्लॉग आएंगे। तो ये है चाबी, तो हमने दरवाजा खोल दिया है, चलो चले जाएंगे। तो लेफ्ट वाला रूम है मेरा, ये बड़ा है, स्पाइडर से डर लगती है दोस्तों। तो ये है मेरा रूम पहले का, बहुत गंदगी हो रखी है। तो मैं सोच रहा था कि ये अंदर वाले को लॉक कर देंगे, सिर्फ इसमें ही जो अपनी स्टडी होगी इसी रूम में होगी, क्योंकि ऊपर ऐसा है कि डिस्टर्ब भी हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं पाती। तो यहाँ पे कुछ सही भी है, यहाँ पे कोई टेबल लग जाएगी, यहाँ पे कोई कॉपी किताब आ जाएंगी। पहले से साफ सफाई कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। जब मैंने साफ सफाई करी तो यहाँ पे को बहुत कूड़ा था और कीड़े वीड़े बहुत थे, तो मैंने साफ सफाई करी। तो मैंने आते कमरे साफ करा था, यहाँ पे बाजू पड़ते हैं, मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि इससे बाहर। तो आलू ज़्यादा नहीं थे तो जल्दी रखा है, तो साफ सफाई करी। मैं का इंटीरियर सोच रहा था कैसा रखूँगा, फिर मेरे मन में ध्यान आया कि सनलाइट ज़रूरी है घर के, तब मैंने टेबल डिसाइड करी वहाँ रखने का। तो मेरी मम्मी आ गई थी, रूम को साफ करते समय फिर मैंने चटाई बिछाई थी। तो फिर अम्मा भी थी, फिर मैंने टेबल रखा, फिर मैंने कॉपी किताब ला के अच्छे से सेट कर दिए। ये स्कूल की, और तो मैंने सारी स्कूल की किताबें सेटअप कर दी। स्कूल की किताबें सेटअप कर रही, फिर नोटबुक सेटअप करी, पूरा सेटअप रेडी है। फिर मैंने फ्राइड राइस खाया, प्लान थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि ऐसा था कि वो टेबल थोड़ी नीचे थी, तो फिर पढ़ने में थोड़ा वैसे दिक्कत हो रही। ये है, यहाँ पे कोई पढ़ लूँगा, यहाँ से नज़ारा भी दिखता रहेगा और पढ़ भी लूँगा, क्योंकि ऐसा करके पढ़ने में ये सही ऊंचा है, बिल्कुल मतलब सही है पढ़ने के। ताब रख के मैंने कॉपी किताब साइड में रखी और उसमें बिछाया कुछ, कोई मतलब ऐसे कॉपी किताब बंदे ना हो जाए। तो मैंने कॉपी किताब ऊपर रख दिए जितने भी बाकी थे। तो गाइस, कॉपीज यहाँ पर सेटल हो रखी है, ये मेरी रफ कॉपीज हैं, ये मेरी क्लास वर्क की कॉपी है, और ये पेपर है सैम्पल पेपर। बाकी ये है कुछ क्वेश्चन बैंक्स, ये और ये है मेरी स्कूल की बुक्स। तो मैंने यहाँ पे को अपने थोड़े इंपॉर्टेंट पेजेस रख दिए हैं। गाइस, मेरा रूम पूरा सेटअप हो गया, मैंने ये ग्लोब लगाया है और ये वर्ल्ड मैप लगा रखा है। तो आज के ब्लॉग के नहीं पाए।